हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर जाहिद नजीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो कंपोनेंट पर बेस करता है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखिएगा, जो ब्रेन है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन CNS, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी से वसूल होती हैं उनकी प्रसिप्शन और कमांडिंग सिग्नल बनाना, उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो करता है ब्रेन। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज द ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं तीन बड़े पार्ट्स में। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं याद रखिएगा, ब्रेन जो है वो तीन बड़े पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक पार्ट को हम नाम देते हैं फोर ब्रेन, और दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे पार्ट को हम नाम देते हैं हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज द हाइंड ब्रेन, तीन बड़े पार्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज द फोर ब्रेन। तो याद रखिएगा, फोर ब्रेन जो है इट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट्स। एक कहलाता है टेलियन सेफेलॉन, जिसको हम कहते हैं टेलियन सेफेलॉन, और दूसरा हमारे पास है डायन सेफेलॉन। तो टेलियन सेफेलॉन याद रखिएगा ह्यूमन फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है ह्यूमन ब्रेन का, और टेलियन सेफेलॉन जो है इसके पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कितनी है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती हैं जिसे हम नाम देते हैं सेरिब्रम का नाम भी देते हैं। अब आप देखा, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ गोल। याद रखिएगा, आपको ह्यूमन टेलियन सेफेलॉन में फोर ब्रेन में दो हाफ राउंड होते हैं, क्या होते हैं, टू हाफ राउंड। यहां देखिए, दो हाफ राउंड में ड्रा कर रहा हूं, ये दो हाफ राउंड हैं जिन्हें हम नाम देते हैं हेमिस्फीयर, क्या नाम देते हैं, और ये देखिए लाइन यहां से बीच में इन दोनों हेमिस्फीयर को अलग कर रही है। एक हमारे पास यहां पर देखें, हमने देखा कि दैट इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये हमारे पास दैट इज द राइट हेमिस्फीयर, ये हमारे पास राइट हेमिस्फीयर है। तो एक बात माइंड में फिक्स कर ले कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर इस तरह सामने जुड़े हुए होते हैं, और हेमिस्फीयर जो है ये राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड से की बॉडी के ऑर्गन्स को, कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, और राइट वाला लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, और ये दो हेमिस्फीयर की सूरत में होते हैं। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को ड्रा करें यहाँ पर, तो याद रखिएगा दिस इज दी, ये हमारे पास एक स्केच जो हम बनाने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन का, ये हमारे पास स्केच है। और आपको पता होना चाहिए, हमने प्रोटेक्शन पढ़ी थी कि बाहर होती है कैरिनियम और इसके अंदर होते हैं मेनिंजीज, और मेनिंजीज की कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है मेनिंजीज की। ये प्रोटेक्शन में सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम ये लेयर बनाते हैं, कितनी लेयर हैं, तीन लेयर होती हैं। एक को हम नाम दे रहे थे ड्यूरा मैटर मेनिंजीज की लेयर को, दूसरी को नाम हम दे रहे थे ऑरकनाइड मैटर, जो कि नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स था, इसे क्या नाम दे रहे थे, ऑरकनाइड, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑरकनिडा से निकला हुआ वर्ड है विच मीन्स वेब फॉर्मिंग। ये एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करता है। और हमने इनर मोस्ट लेयर पढ़ी थी दैट इज दी थिन लेयर, हुए बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है ये, जिसे हम नाम देते हैं ड्यूरा मैटर, जो कि परमिएबल होती है फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमारे पास पाया मैटर है, इनर वन ग्रीन कलर, रेड कलर दैट इज ऑर्गनाइड मैटर, एंड ब्लू कलर दैट इज कॉल्ड दी ड्यूरा मैटर। तीनों लेयर है मेनिंजीज की, और बाहर है करिनियम, और नीचे आ जाए तो ये वर्टिब्रल कॉलम को शो करता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा।
अब हम देखते हैं, जब हम साइड व्यू लेते हैं तो याद रखिएगा हमें एक साइड से सेरिब्रम नजर आता है, हमारा जो हेमिस्फेयर है वो हमें वन नजर आएगा, दूसरा हेमिस्फेयर बिल्कुल इसके पीछे छुप जाता है लाइक दिस। तो हमारे पास दिस इज दी हेमिस्फेयर, इसको अगर हम यहां ड्रा कर लें तो ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेयर है, और हमारा ह्यूमन जो हेमिस्फेयर है। अब हम साइड व्यू ले रहे हैं ताकि हम तमाम तर पार्ट्स को अच्छी तरह पढ़ सकें। तो हमारे पास ये है सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। अब ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है, याद रखिएगा इसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, इसका ये जो आउटर रीजन है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये रीजन कहलाता है सेरिब्रल, याद रखिएगा इसे हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास दो किस्म के मैटर होते हैं, बाहर वाला ये जो मैटर कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एज दी, इसके पास होता है ग्रे मैटर, बाहर वाला मैटर क्या कहलाएगा ग्रे, और ये इनर वाला मैटर कहलाता है दी वाइट मैटर। एक बात आपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि ग्रे मैटर के पास होते हैं सोमा ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स, ये क्या कैरी करता है, दिस इज द कैरीज सोमा, यानी कि सेल बॉडीज होती हैं यहां पर इसकी इंटरन्यूरॉन की, और ये कैरी करेगा एक्सॉन यानी कि फाइबर कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है फाइबर्स, जो कि वाइट मैटर कहलाएगा। अगर हम देखें हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट पार्ट नजर आ रहा है आपको, और इसे हम नाम देते हैं सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज, याद रखिएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या नाम दिया जाता है, सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज कहा जाता है। जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं इसे कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है, और ये सबसे बड़ा पार्ट है जिसके मैटर हमने देखे, बाहर वाला ग्रे मैटर, इनर वाला जो है वो दैट इज दी वाइट मैटर। अब याद रखें हमारा सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है इट इज डिवाइडेड इनटू दी थ्री फोर लोब्स, इसके अंदर चार लोब्स होती हैं। इन लोब्स को अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली लोब जो होती है दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, ये ऊपर वाली लोब जो होगी दैट इज कॉल्ड पैरिटल लोब, नीचे वाली जो लोब होती है दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब, और ये वाली जो लोब होती है दैट इज कॉल्ड ऑसिपिटल लोब। तो कितनी लोब हो गई हमारे पास, चार लोब्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास कहलाती है फेरेंटल लोब, This is called as the pharyngeal lobe. Pharyngeal lobe है, ये वाली हमारे पास कहलाती है parietal lobe, ये वाली हमारे पास कहलाती है temporal lobe, और ये वाली जो लोब कहलाएगी दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी लोब है, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एज वेल एज दी फ्रंटल लोब। अब जब इन चारों लोब्स की हम फंक्शन पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास फ्रंटल लोब जो है इसके अगर आप फंक्शन की बात करें तो बेटा इसके फंक्शंस में हमारे पास क्या है, एक है मेमोरी, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो मेमोरी, बिहेवियर, थिंकिंग, इंटेलिजेंस इन्हें कोऑर्डिनेट करता है
क्योंकि फाइव सेंसेस की वजह से ही सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज कहा जाता है। तो ये मेमोरी बिहेवियर थिंकिंग इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करता है फ्रंटल लोब। और हमारे पास सेकेंड वन लोब जो आ रहा है दैट इज द पैरेटल लोब, जिसका फंक्शन होता है, याद रखिएगा इसके जो फंक्शन है इनमें जो फंक्शन है दैट इज द टच एंड लैंग्वेज। और टच और लैंग्वेज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? पैरेटल लोब का। इसी तरह हमारे पास टेम्पोरल लोब के अगर हम फंक्शन देखें तो बेटा टेम्पोरल लोब के जो फंक्शन है इनमें याद रखिएगा आपका हियरिंग है, आपका लर्निंग है, आपका फीलिंग है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, या काम किसका है इसे कोऑर्डिनेट करना? टेम्पोरल लोब का। और ऑसिपिटल लोब का काम होता है आपका विजन को कंट्रोल करना। इसका फंक्शन क्या है? विजन। विजन को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। अब हमने देखा कि मेमोरी भी, बिहेवियर भी, थिंकिंग भी, इंटेलिजेंस भी, टच एंड लैंग्वेज भी, हमारी हियरिंग भी, लर्निंग भी, फीलिंग भी और विजन भी, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लोब्स ही कंट्रोल कर रही हैं। इसी वजह से ये सारे फाइव सेंसेस में आते हैं हमारे पास, तो फाइव सेंसेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी वजह से कार याद रखिएगा इसे सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज कहा जाता है। ये आपके जो है वो इंटरटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर काफी टाइम ये क्वेश्चन आ गया है कि हमारी बॉडी का जो सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज है हमारे ब्रेन की वो किसकी जिम्मेदारी है? सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज कौन है? तो वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रेटेस्ट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का। अब याद रखिएगा इसकी जो एक्टिविटीज है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास होता है कॉर्पस कोलोसम। याद रखिएगा कॉर्पस कोलोसम क्या है? कॉर्पस कोलोसम ये क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है? कॉर्पस कोलोसम क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने वाला कहलाता है कॉर्पस कोलोसम। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इसका जो कॉर्पस कोलोसम का फंक्शन है इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटीज हैं इसे कोऑर्डिनेट करने का काम कॉर्पस कोलोसम के साथ पास है, जिसको आप लिख सकते हैं कॉर्पस कोलोसम। तो कॉर्पस कोलोसम को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कर रहा है कॉर्डम। किसको कंट्रोल कर रहा है? देखिए कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। इसकी कोऑर्डिनेशन आगे हम देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा। तो ये हमारे पास था टैलियन सेफ्रॉन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो है वो पार्ट आता है ह्यूमन फोर ब्रेन का, दैट इज द टैलियन सेफ्रॉन। अब टैलियन सेफ्रॉन के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है हाइपोथैलेमस, दूसरा आता है अमाइगडाला, तीसरा आता है हिप्पोकैम्पस। तो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के कितने पार्ट आ रहे हैं? तीन पार्ट। हम इसको ड्रा करके देखते हैं, ये लिम्बिक सिस्टम, दिस इज द थैलेमस। अब थैलेमस के यहां लोअर साइड पर लगा हाइपोथैलेमस, ये इसका लिम्बिक सिस्टम, इसमें अमाइगडाला एज वेल एज हिप्पोकैम्पस है,
और यहाँ से इसकी लोब जो है वो लिम ऊपर से घूमकर दोबारा अटैच होती है किसके साथ, थैलेमस के साथ। अब ये वाला रीजन हमारे पास क्या है, दिस इज द थैलेमस, क्या है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड अमाइगडाला, हमने इसको शॉर्ट वर्ड में लिख दिया, दिस इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो याद रखिएगा हमारे पास जो थैलेमस है, दिस इज द थैलेमस। तो बेटा याद रखिएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्या कहते हैं इसे, क्लियरिंग हाउस का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। याद रखिएगा इसको क्लियरिंग हाउस इसलिए कहा जाता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन से आती है उन्हें ये रिसीव करके क्लियर करता है और उसे अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। अब इसका एक और फंक्शन होता है, दैट इज द प्लेजर एंड पेन का एहसास भी हमें कौन दिलाता है, द थैलेमस। अब थैलेमस हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द क्लियरिंग हाउस। तो याद रखिएगा ये याद रखना है आपने, ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है कि जो क्लियरिंग हाउस है हमारे ब्रेन का वो है थैलेमस। और अब हमारे पास नेक्स्ट वन, अब इसकी लिम की तरफ जब जाए तो हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा यहां पर हम जो है वो हाइपोथैलेमस के फंक्शन को देखते हैं, यहां पर दिस इज द हाइपोथैलेमस, यहां ले आते हैं इसको हाइपो थैलेमस। बेटा ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस हमारी होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, मेन होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। याद रखना ये हमारे पास क्या करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, एज वेल एज थर्स्टिंग, यानी प्यास, थर्स्टिंग को कंट्रोल करता है, एज वेल एज एग्रेशन, एग्रेशन भी, एज वेल एज पेन एंड प्लेजर को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, हाइपोथैलेमस का। और फिर ये क्या करता है, रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसे रेगुलेट करने का काम किसका है, यह काम भी किसकी जिम्मेदारी है, हाइपोथैलेमस की। अब होम्योस्टेटिक ऑर्गन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हंगर एंड थर्स्टिंग को रेगुलेट करता है, पेन एंड प्लेजर को रेगुलेट करता है, एज वेल एज हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं किसकी, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड की, इन सब को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ब्रेन आता है होम्योस्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा पार्ट आता है हमारे पास अमाइगडाला। तो अमाइगडाला को अगर हम देखें तो दिस इज अमाइगडाला, और अमाइगडाला का जो काम होता है, दिस इज हमारे पास अमाइगडाला, इसको यहीं ले जाते हैं अमाइगडाला। तो अमाइगडाला जो है इसका काम होता है, ये हमारे पास स्टिमुलेशन, सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलेशन, क्या चीज, सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलेशन, यानी जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उसे कंट्रोल करने का काम किसका है, उसे काम कर का काम है अमाइगडाला का। ये स्टिमुलेशन पर, सेक्सुअल एक्टिविटीज पर एग्री करता है, एज वेल एज पुनिशमेंट, पुनिशमेंट एज वेल एज एंड पेन का जो एहसास है, पनिशमेंट एंड प्लेजर,
पनिशमेंट एंड प्लेजर की जो एक्टिविटीज हैं, प्लेजर जो है इसका एहसास भी अमाइग्डाला दिलाता है और स्टिमुलेशन पर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज पर आमादा करता है। देन हमारे पास हिप्पोकैम्पस, तो याद रखिएगा ये हमारे पास आता है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस को हम यहाँ ही लिख देते हैं, हिप्पोकैम्पस है। और हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस का काम हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, याद रखिएगा जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना, आपकी लाइफ की जितनी भी सीडी है जो भी, इसे हम यहाँ नहीं लिखते, हम ऊपर ले जाएंगे इसको। तो दिस इज दी हाइपो हिप्पोकैम्पस, क्या कहलाता है, हिप्पो कैंपस कहलाता है, हिप्पोकैम्पस है। और हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम है। इसका फंक्शन होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या करना, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमारी जो लाइफ की पूरी सीडी है इसे रेगुलेट करना, हमारी पुरानी लाइफ की जितनी भी यादें हैं उन्हें अपने पास स्टोर करने का काम किसका है, हिप्पोकैम्पस का। ये हिप्पोकैम्पस है, ये फंक्शन सारे के सारे हमने देखे हाइपोथैलेमस के, ये सारे फंक्शन हमारे पास आ गए जो है वो दैट इज दी फंक्शंस ऑफ अमाइग्डाला। ये हमारे पास फंक्शन है किसका, हाइपोथैलेमस सॉरी थैलेमस का, ये फंक्शन थे अमाइग्डाला की। अब हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में हो गए, थैलेमस भी हो गया, हाइपोथैलेमस भी हो गया, अमाइग्डाला भी हो गया और हिप्पोकैम्पस भी हो गया। ये हमारे पास था फोर ब्रेन। अब जब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो दिस इज द मिड ब्रेन, ये हमारे पास है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कहां पर होता है, हम यहां पर देखें कि दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। अब ये हमारे पास है मिड ब्रेन, यहां से हम हिप्पोकैम्पस को हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने एरो देके ऊपर ले गए इसको। तो यहां पर ये हमारे पास होता है मिड ब्रेन, और याद रखिएगा मिड ब्रेन का काम अगर आप देखें तो मिड ब्रेन हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के हवाले से अगर हम देखें तो मिड ब्रेन का काम जो है, दिस इज मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का काम मिड ब्रेन जो है बेटा, इसका काम होता है विजन एंड ऑर्डर। फंक्शन क्या है, फंक्शन है विजन एंड ऑर्डर, हमारी विजन एंड ऑर्डर जो है इसकी सेंसेशन कौन देता है, मिड ब्रेन देता है। और याद रखिएगा जितनी भी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से एंड वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन है उसे वसूल करके ये भेजेगा फोर ब्रेन को, और ये क्या करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है, लिखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में लिखा होगा। और मैं बता देता हूँ आपको इसका काम, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है आपके फोर जो है वो हाइंड ब्रेन से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, उसे लेकर ये रिले करता है टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये फंक्शन हमारे पास मिड ब्रेन के। और अब हमारे पास है हाइंड ब्रेन, याद रखिएगा हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स हम देखें सबसे पहले, तो हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स में जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो आता है दैट इज दी, याद रखिएगा सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट आ रहा है। उसके बाद दिस इज सेरिब्रम, और उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज दी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ये मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है, दिस इज दी पोन्स,
और यहां पर याद रखिएगा होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये जो थ्रेडिंग नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और पोन्स से एज वेल एज कनेक्ट होती है मिड ब्रेन से। अब हमें पता चल गया कि कितने कंपोनेंट हैं इसके हाइंड ब्रेन के। एक हमारे पास सैरी बेलम है, दूसरा हमारे पास पार्ट है इसका मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, और जो तीसरा पार्ट है वो है पोन्स, और जो चौथा पार्ट इसका आता है दैट इज यहां ऊपर ले जाते हैं दैट इज अ रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। तो हमारे पास चार पार्ट आते हैं हाइंड ब्रेन के, जो तो हमारे पास जो है वो चार पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, पोन्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब हम नीचे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास दिस इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, और ये हमारे पास जो है दिस इज द सेरिबेलम, दिस इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। इसे हम क्या नाम देंगे, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन का नाम देंगे। ये हमारे पास है पोन, तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड पोन्स। तो ये हमारे पास चार पार्ट हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड पोन्स, ये चारों पार्ट किसके हैं, हाइंड ब्रेन के। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। जब हम फंक्शन देखते हैं इन केस ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव सेंटर। क्या नाम दिया जाता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को, नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स सेंटर। याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री एंड ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं रिफ्लेक्सेस। तो जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसे कोऑर्डिनेट करता है, उसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। जैसा कि हमारे पास अगर देखा जाए तो वोमिटिंग है, वोमिटिंग, देन ब्रीथिंग है, देन हमारे पास हार्ट बीट है, एज वेल एज हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज कफिंग है, हिकपिंग है, जिसे हम जो है वो हिचकी आना कहते हैं, हिकपिंग है, एज वेल एज स्नीजिंग है, एज वेल एज हमारे पास ब्लड प्रेशर है। ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सेस, जो कि इनवॉलेंट्री हैं और ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिकली परफॉर्म होती हैं। इसलिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज कहलाई हैं रिफ्लेक्सेस, और इसी वजूहात के तहत, इसी रीजन के तहत हम नाम देते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को रिफ्लेक्स सेंटर, और रिफ्लेक्सेस सेंटर का नाम देते हैं। देन हमारे पास सेरिबेलम, तो याद रखिएगा सेरिबेलम जो है इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, और इसे सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम इसके फंक्शन अगर देखें इन केस ऑफ द सेरिबेलम, तो याद रखिएगा सेरिबेलम का काम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, एज वेल एज याद रखिएगा हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के पास बाद है बैलेंस, पोजीशन इन आ स्पेस। तो याद रखिएगा आपने देखा होगा यहां स्पेस की बात हो रही है, आपने कभी जंप लगाया होगा, जब आप जंप लगाते हैं तो याद रखिएगा आपकी कोशिश होती है कि जो हमारा टारगेट है
हम उस पे थ्रो आउट करें, या आपने पैराट्रॉपर्स देखे होते हैं, वो अपने टारगेट पर फायर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप स्पेस में होते हैं तो आपके मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, और आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है सेरिब्रम। तो इसलिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और बैलेंस पोजिशन इन आर स्पेस कहा जाता है सेरिब्रम का काम है। देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो पार्ट है दैट इज दी पोन्स। तो याद रखिएगा जब हम पोन्स के फंक्शन की बात करते हैं तो पोन्स के फंक्शन हमारे पास याद रखिएगा फंक्शंस में हम देखते हैं जब इन केस ऑफ पोन्स, तो पोन्स के फंक्शन हमारे पास जो है दैट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन ब्रीथिंग जो है याद रखिएगा यहां पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, यहां पर जो वॉलेंट्रीली हम सांस को रोक देते हैं दैट इज द कंट्रोल, एज वेल एज स्लीपिंग है एज वेल एज याद रखिएगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है या बैलेंस पोजिशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन याद रखिएगा बैलेंस पोजिशन ऑन द ग्राउंड। कहां पर? जब हम ग्राउंड में चल फिर रहे होते हैं तो उस वक्त याद रखिएगा हमारी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन रखती है वो रखती है पोन्स, हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जो काम कर रही होती है वो कर रही होती है पोन्स, एज वेल एज याद रखिएगा फेशियल एक्सप्रेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फेशियल एक्सप्रेशन याद रखिएगा, आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, आपको जब कोई चीज बुरी लगती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे होते हैं। इसी तरह मैं अक्सर स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं कि अगर घर में पप्पू आ जाती है तो मुंह बन जाता है, तो अगर जब खाला आ जाती है तो बहुत ज्यादा खिलखिला जाते हैं, खिल जाते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। वैसे मैं मजाकन आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम जो होता है दैट इज द पोन्स। तो ये हमारे पास पोन्स जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और रेटिकुलर फॉर्मेशन एक बात याद रखिएगा हमारे पास थ्रो आउट ब्रेन में होती है, यहाँ पर जो है वो नर्व फाइबर कनेक्ट कर रहे होते हैं ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, जहां जहां ब्रेन एक पार्ट दूसरे पार्ट से जो है वो लिंक कर रहा है वहां रेटिकुलर फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन की अगर हम फंक्शन देखें तो याद रखिएगा हमारे पास फंक्शंस में इन केस ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन दो बड़े फंक्शन आते हैं, एक इग्नोरेंस और दूसरा रिएक्ट। क्या आता है? इग्नोरेंस एंड दूसरा आता है रिएक्ट। अक्सर आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी एग्जांपल दी है कि कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसको हम फौरन रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बावजूद हम इग्नोर कर रहे होते हैं। जिस तरह आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी है, आप उसको पढ़ेंगे कि एक ही रूम के अंदर जो है वो बच्चा भी सो रहा होता है, बच्चे का फादर भी सो रहा होता है, मदर भी सो रही होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा उठता है, बच्चा एक चीख निकालता है, माँ फौरन उसको रिस्पॉन्ड करती है, माँ फौरन रिएक्ट करती है उस स्टिमुलस को, उस मैसेज को। लेकिन फादर जो है उस मैसेज को सुन रहा होता है, वो मैसेज मुकम्मल डिलीवर भी हो रहा होता है, लेकिन फादर उसको रिएक्ट नहीं करता, इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि मदर उसको संभालने के लिए बैठी हुई है। इसी तरह जब किसी भी किस्म के कोई भी सिग्नल, कोई भी आपका स्टिमुलस जिसे आप रिएक्ट करते हैं, फौरन रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसको आप पहुंचने के बावजूद भी, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं पहुंचने के बावजूद भी आप उसको रिएक्ट नहीं करते। तो इग्नोर करना किसी भी चीज को या किसी भी स्टिमुलस को, रिएक्ट करना, ये भी हमारे पास फंक्शन किसका है? रेटिकुलर फॉर्मेशन का। तो ये हमारे पास वो चार पार्ट थे किसके? हाइंड ब्रेन के। ये किसके पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग? ये चारों पार्ट हमारे पास हाइंड ब्रेन के थे। मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि हमारे पास चार पार्ट आते हैं, यहां देखें सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स, और हमने पढ़ा था रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहां पर भी आप देखें, हमने डिस्कस किया था दिस इज द मेडुला ओब्लोंगेटा, हमने देखा दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा, दिस इज सेरिब्रम,
उसके फंक्शन हमने पढ़े, देन हमारे पास रेटिक्यूलर फॉर्मेशन को हमने पढ़ा, देन हमने पढ़ा कोन्स को। तो ये हमारे पास चारों किसके पार्ट थे, विथ फंक्शन के साथ, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के एज वेल एज सॉरी हाइंड ब्रेन के पार्ट थे, जिसमें मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, सेरिब्रम, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड कोन्स। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे फंक्शंस के साथ याद रखना है कि कौन से पार्ट के क्या फंक्शन है। ये हमारे पास ह्यूमन ब्रेन था, जो कि हम डिवाइड करते हैं ह्यूमन ब्रेन को फोर थ्री पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हमने पार्ट को लेबलाइज भी किया, ऑल पार्ट्स को, और उसके फंक्शन को भी डिस्कस किया। आपने ये फंक्शन लाजमी याद रखने हैं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी आता है कि आप एक्सप्लेन करें, डिटेल नोट लिखें ब्रेन के ऊपर, या फिर आपके नीट के हवाले से, आपके एम डी कैट के हवाले से, एम कैट के हवाले से भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो ह्यूमन ब्रेन पर आते हैं। मे भी हो सकता है आपको रिफ्लेक्स सेंटर पूछा जा सके, क्योंकि बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके मेडिकल टेस्ट में। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लियरिंग हाउस कौन सा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज हमारे पास ब्रेन की किसकी जिम्मेदारी है। तो ये आपने सारे पार्ट्स को, आपने हर पार्ट को फंक्शन के साथ आपने स्टडी करना है, ताकि आप किसी भी किस्म के एमसीक्यूज को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से यहाँ बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। ये था हमारे पास ह्यूमन ब्रेन, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से, आपके एमडी कैट के हवाले से, आपके नीट टेस्ट के हवाले से, अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो नीट टेस्ट के हवाले से। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।